आपको नॉन वेज करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। हमने कई बार नॉन वेज भेजा है, संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक स्कूल से बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो लंच बॉक्स में नॉन वेज लेकर गया था, वो भी महज नर्सरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट को। फिर बच्चे के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया जहां प्रिंसिपल अवनीश कुमार से उनकी बहस भी हुई। इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्रिंसिपल ने बच्चे पर जो आरोप लगाए वो हैरान कर देने वाले थे। और कल सारे बच्चों ने शिकायत कही है, संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने जो हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉन वेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉन वेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉन वेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉन वेज खाकर के मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप ही कुछ नहीं बोल सकते। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है, पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता। कि आपका बच्चा नॉन वेज लेकर के आया था जी, बताइए, आपने फौरन मना कर दिया हमारा बच्चा नॉन वेज नहीं लाया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ बरी की बिरयानी बनाई थी। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉन वेज, कब लाया बेटा? उनकी सर बताया था ना कल, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। मैं क्या कहते हैं, आज ज्यादा मत करिएगा, मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। ये मामला हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल का है जहां नर्सरी में पढ़ने वाले विशेष समुदाय का बच्चा अपने टिफिन में नॉनवेज लेकर गया था। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS BP सिंह ने घटना की जांच का आदेश दिया है जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।